गेरवा घाट नदी पुल के पास तीन संदिग्ध लोग एक झोला में एक जीवित वन्य जीव कछुआ लेकर बिक्री हेतु ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। उपरोक्त सूचना पर सीएसीबी चौकी पुलिस द्वारा आरोपी गण उमेश कुमार जायसवाल पिता श्यामलाल जायसवाल निवासी ग्राम छपोरा थान मालखरौदा, लक्ष्मी सोनी पिता हनुमान सोनी निवासी ग्राम छपोरा थाना मालखरौदा एवं धनंजय कश्यप सनत कुमार कश्यप निवासी ग्राम मल्दा थाना हसौद जिला जांजगीर चांपा को पकड़कर उनके कब्जे से एक वन्य जीव कछुआ जब्त कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई किया गया है। ज्ञात हो कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा समाज में अंधविश्वास फैलाकर कछुआ के माध्यम से पैसा झड़ने रकम दोगुना करने का झांसा देकर धोखाधड़ी की जाती है। आरोपीगण से कछुआ खरीदने वाले के द्वारा भी संभवतः इसी प्रकार का कृत्य किया जाता, किंतु पुलिस द्वारा लोगों को ठगे जाने के पूर्व ही उनकी योजना को विफल कर दिया गया है। कोरबा पुलिस आम जन से अपील करती है कि इस प्रकार के अंधविश्वास में ना आएं। ऐसे कृत्य की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। सूचना मिली थी कि गेरवा घाट के पास में तीन लोग हैं जो अपने पास में कछुआ रखे हुए हैं और उसकी बिक्री करने के लिए घूम रहे हैं। इस सूचना पर टीम रवाना किया गया था। टीम के द्वारा तीनों आरोपी उमेश जायसवाल, लक्ष्मी सोनी और धनंजय कश्यप, तीनों रहने वाले छपोरा मालखरौदा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिला जांजगीर के, तीनों को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद पूछताछ में कुछ अजीब सी बातें आईं। अजीब सी बातें ये आई कि ये जो कछुआ है, ये लोग किसी तरह के अंधविश्वास के लिए कि ऐसा क्या भ्रांति फैला हुआ है कि कछुए के माध्यम से पैसे आते हैं, पैसे झड़ते हैं, आम लोगों पे ये बात फैली हुई है, उसके कारण पे ये लोग कछुआ रखे हुए हैं और इसके कारण कछुए का रेट जो है काफी महंगा मिलता है, बिकता है और लोग अंधविश्वास में फंसकर इसमें ठगी का शिकार भी होते हैं। सूचना मिलने पर तत्काल टीम रवाना करके कछुआ के साथ में आरोपियों को पकड़ लिया गया। आरोपियों के विरुद्ध में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है और वैधानिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। न्यूज डेस्क मीडिया फोर सपोर्ट।